नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। तो मित्रों, आज हम बात करते हैं इलेक्शंस, जो ओपिनियन पोल के बारे में, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जो इलेक्शन हो अभी अभी संपन्न हुए हैं उनके ओपिनियन पोल के बारे में बात करते हैं। देखते हैं क्या स्थिति दर्शाई जा रही है, क्या भाजपा कहाँ पर मजबूत है, कांग्रेस कहाँ पर मजबूत है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द कांग्रेस कुड विन राजस्थान व्हाइल इट विल बी क्लोज फाइट इन मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ अकॉर्डिंग द एवरेज ऑफ फोर ओपिनियन पोल्स एज इंडिया हेड्स इनटू क्रूशियल स्टेट पोल्स अहेड ऑफ द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन। तो राजस्थान में कांग्रेस को जीतता हुआ दिखाया जा रहा है काफी आसानी से, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्लोज फाइट है। तो आइए देखते हैं, एक नजर डालते हैं राजस्थान के। यहाँ पर सर्वे दिया गया है राजस्थान इलेक्शन का, तो यहाँ पर टोटल 200 सीटें राजस्थान की है, जिसके आधे हाफ वे मार्क 100 सीट है, और एबीपीसी वोटर ने बीजेपी को यहाँ पर 56 सीटें दर्शाई हैं और कांग्रेस की 142 सीटें दर्शाई हैं और अदर के लिए 2 सीटें दर्शाई हैं। टाइम्स नाउ, क्रोम, डीएम, बीजेपी के लिए 89 सीटें, कांग्रेस के लिए 102 सीटें और अदर के लिए 9 सीटें। टाइम्स नाउ, वार रूम स्ट्रेटजी, बीजेपी को 75, कांग्रेस को 115 और अदर को 10। न्यूज नेशन, बीजेपी को 71 से 75, कांग्रेस को 113 से 117 और अदर्स को 10 से 14। पोल ऑफ पोल्स, कांग्रेस को बीजेपी को 73, कांग्रेस को 119 और अदर्स को 8। तो यहाँ पर सभी सर्वे कांग्रेस को यहाँ पर जीतता हुआ दर्शा रहे हैं। तो ये थी राजस्थान की। अब देखते हैं मध्य प्रदेश की तरफ चलते हैं। तो मध्य प्रदेश में टोटल 230 सीटें हैं, हाफ में मार्क 115 है, एबीपीसी वोटर ने बीजेपी को 108 दिलवाई है, कांग्रेस को 122, अदर को 0। टाइम्स नाउ, क्रोम डीएम ने बीजेपी को 108, कांग्रेस को 103, अदर्स को 19। टाइम्स नाउ, वार रूम स्ट्रेटजीज ने बीजेपी को 142 और कांग्रेस को 77, अदर को 11। न्यूज नेशन ने बीजेपी को 109 से 113, कांग्रेस को 107 से 111, अदर को 12। पोल्स ऑफ पोल्स ने बीजेपी को 117, कांग्रेस को 103 और अदर को 13। चलिए अब चलते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में 90 सीटों पर चुनाव हुआ है, हाफ वे मार्क 45-45, एबीपी कवर, एबीपीसी वोटर बीजेपी को दिला रहा है 40, कांग्रेस को 47। टाइम्स नाउ, क्रोम डीएम, बीजेपी को 47, कांग्रेस को 33, अदर को 10। टाइम्स नाउ, वार रूम स्ट्रेटीज, बीजेपी को 47, कांग्रेस को 33 और अदर को 10। न्यूज नेशन, बीजेपी को 43 से 47, कांग्रेस को 36 से 40, अदर को 3 से 7। पोल ऑफ पोल्स, बीजेपी को 45, कांग्रेस को 38, अदर को 7। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कांग्रेस की
जो पोजीशन है वो या तो टक्कर की है या फिर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, तो काफ़ी चांस है जबकि बार सत्ता पलट के लग रहे हैं। बाकी देखते हैं इस डिबेट में Madhya Pradesh and Chhattisgarh, although may turn out to be a close contest. Now, before we begin the discussion, just to point out that these are merely opinion polls. A lot can and will change between now and election day. So, what are the factors that can swing votes in all three key states? And to talk on this, I'm joined now by Sanjay Kumar, a professor at CSDS and, of course, co-director at Lokniti. Yashwan Deshmukh, MD and chief editor of Sea Voter Broadcast, speaks with us today. And that is one of the polls we're looking at as well. Amitabh Tiwari, a political commentator, is joining us. He also works and consults with War Room, which is one of the agencies that has put out a poll today. I'm also speaking with Professor APS Chauhan, who's, of course, a professor with the Political Science Department at Jivaji University at Gwalior. Welcome to all of you, and thank you for. You have already mentioned about the trend which is coming out from various polls. I think if we look at Rajasthan, it seems there is a clear trend of Congress having a huge edge over BJP. So it seems that Congress is likely to win Rajasthan. But if we look at the polls findings from Chhattisgarh and Madhya Pradesh, it is showing a close contest, though many polls have suggested that Congress has an edge in Madhya Pradesh, also in Chhattisgarh. You have already mentioned that these are merely polls, these are pre-polls. These polls have been conducted a month in advance, in some instances more than that. Things will change. You did mention that what are the factors which might result into change in the moods, attitudes of the people. So these are polls conducted a couple of months before election. If we go by the numbers, there is a clear trend. Congress.